पहले की बात करें तो गणपति महोत्सव के लिए पारंपरिक तरीके से ही गणपति तैयार किए जाते थे, पर अब मॉडर्न अंदाज में गणपति की मूर्तियां तैयार हो रही हैं। किसी गणपति की मूर्ति पर राजस्थानी पगड़ी तो किसी पर पंजाबी पगड़ी है। कई मूर्तियां महाराजा स्टाइल में तैयार की जा रही हैं और साथ ही मूर्तियों पर पानी में आसानी से घुलने वाले फ्लोरेसेंट कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें यह खास रिपोर्ट। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वॉर्म वॉर्म वेलकम। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस फिर जल्दी आ। जी हाँ, जिस साल का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं वो गणपति महोत्सव शुरू हो चुका है। गणपति बप्पा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर वेशभूषा परंपरागत तरीके से वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो हम आपको आज बहुत ही सुंदर सुंदर गणपति से मिलवाने जाएंगे जो कि मिट्टी से बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर रंगों का उनमें उपयोग किया गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको उन बेहतरीन कारीगरों से मिलाते हैं जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर गणपति बप्पा जी तैयार किए हैं। तो आप देख सकते हैं इतने सुंदर गणपति बप्पा जी जो मिट्टी से बनाए गए हैं। ये किस मिट्टी से बनाए गए हैं ये उनके कारीगरों से ही हम जानेंगे कि पानी में ये किस तरह से मिट्टी घुलेगी, कैसे कैसे इसमें रंग इस्तेमाल किए गए हैं। ये जो स्पेशल कारीगर यहाँ राजस्थान से आए हुए हैं उन्हीं से जानते हैं इस गणपति जी को बनाने में, तैयार करने में इनको कितना समय लगता है। हाँ जी मैम, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छे हो, तो चलो मैम आप सबसे पहले ये बता दो आप कितने सालों से लुधियाना आ रहे हैं गणपति जी को सजाने संवारने के लिए। ये मेरी मम्मी पहले आई थी यहाँ पर, हम लोग पैदा ही इधर ही हुए, बड़े भी इधर हुए, शादी भी इधर हुई हमारी। अच्छा। इतने साल से मतलब बना रहे हैं। कहाँ से हो आप? राजस्थान से। राजस्थान से हो, तो ये कला आपको किसने सिखाई, आपके मम्मी ने सिखाई है? मेरे मम्मी पापा ने सिखाई। मम्मी पापा ने सिखाई है। कैसे लगता है जब इतने सुंदर गणपति जी तैयार करते हो अपने हाथों से? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये बताइए कि इसमें जो मिट्टी का इस्तेमाल आप करते हो या रंगों का करते हो, कहीं ना कहीं हम जैसे कहते हैं कि पानी खराब होता है, तो आप ऐसे कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करते हो इसमें? हम तो है ना मतलब पी यू पी और चाक मिट्टी दोनों मिक्स करके बनाते हैं और इसमें घास भी पाते हैं ताकि जल्दी घुल जाए। ये जल्दी घुल जाए तो पानी को कोई ऐसे नुकसान तो नहीं? नुकसान नहीं होता। इसमें सारा कच्चा पेंट होता है, जो पक्का पेंट होता है ना उसमें बहुत नुकसान होता है। हम लोग सारा कच्चा पेंट यूज़ करते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं हर साल गणपति बप्पा जी से मिलने, इन खूबसूरत गणपति बप्पा जी को देखने आते हैं, तो कैसे लगता है आपके हाथ की कलाकारी देख के उन्हें? कैसे वो पसंद करते हैं और आपको क्या कहते हैं वो? वो बोलते बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए अब इतने सुंदर गणपति बप्पा जी तो हमने बना दिए, यहाँ के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि इतना सुंदर आप गणपति जी को तैयार करते हैं? कोई भी अपनी तरफ से एक सुंदर सी तीन चार लाइनें यहाँ के लोगों को बता दीजिए। मैं चाहती हूँ कैमरे की तरफ देख के, मैं चाहती हूँ कि लोग जो हर साल लेने आए हमारे पास वो ले जाए हमारे पास से और सुंदर सुंदर बना के देंगे और डिजाइन में। और डिजाइन में। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके गणपति बप्पा मोरिया। तो देखा आपने, यह थे हमारे साथ राजस्थान के कुछ बेहतरीन कलाकार जिन्होंने गणपति बप्पा जी को बहुत ही सुंदर सुंदर रंगों में तैयार किया है। बहुत दूर से ये अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं हर साल और इन्होंने हमें बताया कि लगभग 25 सालों से ये लुधियाना में आ रहे हैं, गणपति जी को सजाते हैं अपने हाथों से और ऐसी मिट्टी का इसमें ऐसे कलर्स का यूज़ किया जाता है जो पानी में ईजिली घुल जाते हैं और पानी को ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते। हेलो मैम, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप अपना टाइम दे सकते हैं हमें? कैसे हैं आप मैम? बढ़िया। सबसे पहले बताइए मैम, आप यहाँ पे गणपति जी को लेने आए हैं? जी जी, हम तो पिछले 3 सालों से लेने आ रहे हैं आपसे। ये कैसे लग रहे हैं यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर गणपति जी विराजमान? वे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे देखिए रिलीजियस ये एक फेस्टिवल है, सो लाइक माय हस्बैंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, तो ही लाइक द मोस्ट दिस गणपति जी क्योंकि वहाँ का मेन फेस्टिवल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम लोग सोमवार को यहाँ से लेके जाएंगे शाम को, सो अगले संडे भी सर्चन करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे अपना माइंड मेकअप करके आए हैं कि कौन से गणपति जी को अपने साथ? वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड दिस वन। गुड, ओके ओके। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन, थैंक यू मैम। सर आप बताइए, आप बेसिकली जैसे मैम ने बताया यू आर फ्रॉम मुंबई बेसिकली, तो कैसे लग रहा है लुधियाना में आप यहाँ पे भी वैसे ही? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले यहाँ कम था, अब यहाँ पे बहुत जोर से शुरू हो गया है, काफ़ी इन्जॉयमेंट होती है, काफ़ी लोग मानते हैं, अब तो पूरा मुंबई की तरह यहाँ पे सिस्टम शुरू हो गया है सारा। लोग लेके आते हैं घर पे, पूजा पाठ करते हैं, विसर्जन करते हैं, सब मिलके गली मोहल्ले में फंक्शन करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, इन्जॉय का माहौल होता है पूरा हफ्ता भर, साथ में विसर्जन करते हैं हम लोग।
आप एक साथ मिलकर लुधियानवीज को एक प्यारा सा मैसेज या गणपति जी का कोई महोत्सव स्टार्ट हो रहा है, विश कैसे करना चाहेंगे? गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी या। हेलो सर, आप कैसे चाहेंगे विश करना लुधियानवीज को? गणपति बाप्पा मोरिया, ये गणपति बाबा की मेहर है जो लुधियाना इतना फल फूल रहा है, ये गणपति बाबा का ही सारा आशीर्वाद है। तो एक मैसेज ये भी दे दीजिए यहाँ पे, जैसे अब आजकल हम देखते हैं टाइम थोड़ा सा खराब होता जा रहा है, करप्ट होता जा रहा है लोगों की मेंटालिटी, तो गणपति बप्पा जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही विश करेंगे गणपति बप्पा सबको सद्बुद्धि बख्शें, रिद्धि सिद्धि बख्शें, सब में सुख शांति हो और सब लोगों का दिमाग ठीक रहे, करप्शन फ्री हमारा हिंदुस्तान है, जो करप्शन फ्री हिंदुस्तान रहे, साफ सुथरा हिंदुस्तान रहे। बोलते हैं गणपति जी विघ्न हरता है, तो अगर हम दिल से अपने पूरे सम्मान से उनको अपने घर पे लेके जाएंगे तो हमारे सब दुख कष्ट क्लेश मिट जाएंगे। थैंक यू सो मच अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ कुछ विजिटर्स जो यहाँ पे गणपति बप्पा जी को लेने के लिए आए हुए हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से गणपति बप्पा जी जो विघ्नहर्ता माने जाते हैं वो यहाँ के हर किसी के दुख दर्द को दूर करें विघ्नहर्ता जी। तो होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ पे इतने खूबसूरत गणपति बप्पा जी को देख के। हमने भी यहाँ पे कुछ बहुत ही रिलीजियस थॉट्स हमें सुनने के मिले लोगों की तरफ से। थैंक यू सो मच कैमरामैन गोल्डी के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।